नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु वल्य यानी रिंग ऑफ सोलोमन क्या होता है और हथेली में इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से बनता है। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। गुरु पर्वत पर अर्धचंद्र के आकार की जो रेखा होती है वह रेखा जो इंडेक्स फिंगर के नीचे हाफ सर्कल में होती है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये कर्व लिए हुए होती है कुछ इस प्रकार से, तो इसे ही हम रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। इसे रिंग ऑफ जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मेशन आप कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं। ये स्ट्रेट भी हो सकती है कुछ, या फिर मैं आपको बताऊँ कि कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है। ये सब रिंग ऑफ सोलोमन ही बोली जाती हैं। नॉर्मली ऐसे लोग टीचर, एस्ट्रोलॉजर या जजेस, न्यायाधीश या अच्छे वकील, जो भी साइकोलॉजी वाले क्षेत्र से जुड़े होते हैं, इन्हीं के हाथों में यह रिंग ऑफ सोलोमन पाया जाता है। तो यह उनके अंदर उपस्थित ज्ञान को और भी बढ़ा देता है। इसके साथ ही साथ यदि गुरु पर्वत उभार लिए हुए हो और गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी हो, कुछ इस प्रकार से ये लंबी हो, सूर्य की उंगली से लंबी हो, और गुरु पर्वत पर सूक्ष्म रेखाएं बन रही हो, इस प्रकार का फॉर्मेशन हो रहा हो कुछ। ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन हो रहा हो। ये बहुत महीन रेखाएं होती हैं, इसको देखने के लिए आपको लेंस की भी जरूरत पड़ सकती है। तो यह जितना सेंटर में होगा उतना ज्यादा शुभ हो जाएगा। इस तरीके के सभी चिन्ह अगर अवेलेबल हैं तो व्यक्ति अपनी फील्ड में, वह जिस भी फील्ड में होता है, उस फील्ड का लीडर होता है। इनके अंडर में बहुत बड़ी टीम काम करती है। यह रेखा गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को भी दिखाती है। जिसके हाथ में यह रेखा होती है वह मिस्टिक साइंस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट लेता है। लेकिन सिर्फ इस रेखा को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह सभी गुप्त विद्याओं में अच्छा होगा। यह सिर्फ यही दिखाती है कि व्यक्ति का झुकाव इस तरफ है। यदि रिंग ऑफ सोलोमन पर एक स्क्वायर का साइन बन रहा हो, कुछ इस प्रकार से, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हमारी रिंग ऑफ सोलोमन हो गई और इसी के साथ में कुछ इस प्रकार से स्क्वायर का साइन बन रहा हो, किसी भी प्रकार से बन सकता है, स्क्वायर बनना चाहिए। तो यह व्यक्ति को बुरे कार्यों से बचाता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में स्क्वायर का साइन होता है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर बड़ी पोस्ट पर होते हैं। यदि रिंग ऑफ सोलोमन पर एक स्टार का साइन हो, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ कि कुछ इस प्रकार का स्टार का साइन बन रहा हो, इस प्रकार का स्टार का साइन बन रहा हो, कहीं पे भी बन सकता है, गुरु पर्वत पे होना चाहिए। ये गुरु पर्वत का क्षेत्र है, इस पूरे पे कहीं पे भी बन रहा हो और रिंग ऑफ सोलोमन से टच हो। तो यदि रिंग ऑफ सोलोमन पर एक स्टार का साइन हो तो यह व्यक्ति को अधिक सफलता और प्रसिद्धि देता है। वह जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में उसको अधिक सफलता और प्रसिद्धि भी दे देगा। देखिए, यहाँ ध्यान यही देना है कि रिंग ऑफ सोलोमन पूरा बनता हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाफ ना बन रहा हो इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये हाफ ना बन रहा हो ऐसा, इसको रिंग ऑफ सोलोमन नहीं कहेंगे। रिंग ऑफ सोलोमन पूरा होना चाहिए, इसे इस टाइप का पूरा होना चाहिए रिंग ऑफ सोलोमन। चलिए, यदि आधा बनता है, मान लीजिए कि आधा बनता है, इस प्रकार से बनता है, तो इसे फिर रिंग ऑफ सोलोमन नहीं कहेंगे, इसे फिर सिंपैथी लाइन कहा जाता है। तो सिंपैथी लाइन यानी व्यक्ति दयालु होता है। देखिए, यहाँ नाम से ही जाहिर है, सिंपैथी लाइन यानी व्यक्ति बहुत दयालु होता है, समझदार होता है, दूसरों के दर्द को समझने की उसको कला बखूबी आती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं या सलाहकार होते हैं। देखिए, रिंग ऑफ सोलोमन और सिंपैथी लाइन अलग अलग नहीं होते, बल्कि यह एक ही हैं। बस अंतर यह है कि रिंग ऑफ सोलोमन कंप्लीट होता है तो उसके रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। व्यक्ति लीडर बनता है ना, और उस फील्ड के, जिस फील्ड में जुड़ा होता है उसके और भी सिम्टम्स को बढ़ा देता है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ा देता है। और सिंपैथी लाइन में इसका रिजल्ट अलग होता है, यह सिर्फ काउंसलिंग्स और जो सलाहकार के रूप में जो लोग होते हैं उसको शो करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।